2009 से ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे वर्क कर रहा है। तकरीबन 500 यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं। कनाडा टोरंटो का ये प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, और इसका एनुअल रेवेन्यू है $1 बिलियन। जिस वेबसाइट का खुद का रेवेन्यू $1 बिलियन है, तो सोचिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितना अच्छा पे कर रही है। इसके अलावा आप इसकी रैंकिंग देख सकते हैं, इसकी कैटेगरी रैंक देख सकते हैं। Assalamualaikum, this is Mavish and welcome back to our very own channel online earning with Mavish. Hopefully you all are doing well. जनाब, आप लोग असाइनमेंट राइटिंग वर्क या कॉपी पेस्ट का वर्क, इस काम को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हर कोई इस किस्म का काम ढूंढता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग बहुत लेस के लिए भी सेटल हो जाते हैं। लाइक आप लोग अगर 10 पेज लिख रहे हैं, 20 पेज लिख रहे हैं, आपको उसके 200, 300, 400 रुपये भी मिल रहे हैं, तो इवन देन भी आप कहते हैं कि इट्स ओके। तो आप लोग अपनी सोच को थोड़ा सा ऊंचा करें। इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वो ज़्यादा ऊंचे ख्वाब देखता है, ज़्यादा बड़े सपने रखता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा काम सिखाने जा रही हूँ जहाँ पर आपके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ना सिर्फ यहाँ पर काम करके अर्निंग करते रहेंगे, बल्कि यहाँ पर आप ग्रो भी करेंगे। ये आपका खुद का काम होगा, 100% आपको खुद मिलेगा। आपकी मेहनत का सारा फल आप अपने पास रखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ से एक ऐसी स्किल डेवलप कर लेंगे जिसको आप बाद में किसी जगह पर सेल आउट भी कर सकते हैं। लाइक आप अपनी सर्विसेज फाइवर या अपवर्क या किसी और ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी दे सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, या आपका कोई भी स्टेटस है, इसके अलावा आपकी कोई क्वालिफिकेशन है नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, इट डजेंट मैटर। आप लोगों ने अपने घर के कम्फर्ट में बैठ के काम करना है, कुछ आपने कंटेंट जनरेट करना है। इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ वीडियोस बनानी है या आपने कुछ इस किस्म की रील्स वगैरह बनानी है। आप लोगों ने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करनी है, कुछ बुक्स जो है वो राइट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने इन बुक्स को कैसे यूज़ करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। आज की वीडियो के दो पार्ट्स होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग वो स्किल्स सीखेंगे, वो मेथड कि आप लोगों ने इसको आखिर करना कैसे है और कौन से टूल्स को आपने यूज़ करना है। कल की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम लोगों ने अपना ये कंटेंट, जो भी हम बुक्स बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, हम लोगों ने कौन से प्लेटफॉर्म पर इनको अपलोड करना है और वहाँ पर कैसे हम लोगों ने काम करना है। ऑथेंटिक वर्क है, लोग यहाँ से डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं, पाकिस्तान से क्या, पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप लोगों की अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है। लेकिन ये आप लोगों का साइड हस्टल है। आप लोग चाहे कुछ भी काम करते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग दिन का 1 से 1.5 घंटा निकाल कर आप डेली का ये कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, सिर्फ आप लोगों ने टूल्स यूज़ करने हैं और डिफरेंट जगह से डिफरेंट टूल्स यूज़ करके आप लोगों ने कॉन्टेंट उठाकर उसको कंपाइल करना है, उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म देनी है और उसको आप लोगों ने फर्दर यूज़ करना है। तो जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम वीडियो की डिटेल में जान लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे काम करना है। आज की वीडियो तो आप देखेंगे, लेकिन कल की वीडियो आपने मिस नहीं करनी। कल की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोगों ने ये कौन से प्लेटफॉर्म पर जो है ना सारा कंटेंट अपलोड करना है। डिटेल में जाने से पहले, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसके अलावा वीडियो को 2-4 लोगों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि आपके साथ उनका भी फायदा हो सके। रियल ऑनलाइन अर्निंग आप लोगों को सीखनी चाहिए, आप लोगों को फोकस करना चाहिए कि आप स्किल्स पे काम करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, कोई ना कोई स्किल आप सीखें, बजाय इसके कि आप लोग कुछ ऐसी ऐप्स की तरफ जाएं जहां पर आपको एड्स देखने हैं। आप दिन का अगर 100-200 कमा लेते हैं तो मेरी नज़र में ये कुछ भी नहीं है। इवन कि आप दिन का 1000 रुपया भी कमा लेते हैं तो आजकल महंगाई के दौर में ये कोई खास मानी नहीं रखता। तो जनाब, चलते हैं वीडियो डिटेल में। अब इस काम के लिए हम लोगों को जिन वेबसाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनमें नंबर 1 पर है जेमिनाई। ये गूगल का चैटबॉट है, जस्ट लाइक चैट GPT वर्क करता है। यहाँ पर आपने इसको कमांड्स देनी होती हैं और आपको रिटर्न वर्क करके दे देता है। इसके अलावा नेक्स्ट है चैट GPT। थर्ड पे हम लोगों को चाहिए होगा कैनवा, और इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म जिसका नाम है क्विलबॉट, वो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर पैराफ्रेजिंग। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जेमिनाई पर, और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ओपन विद जेमिनाई पर आपने क्लिक करना है। इस पेज पर आप लोगों ने इस बार को जो है ना स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप एंड पर आते हैं, यूज़ जेमिनाई का आपको बटन शो होता है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर वर्क कर सकते हैं इजीली। चैट विद जेमिनाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप लोगों ने अपना प्रॉम्प्ट देना है। याद रखें, आपका प्रॉम्प्ट जितना डिटेल्ड होगा, जितना क्लियर होगा, इतना अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट होकर आपको मिलेगा। हम एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जिस पे लोग बहुत ज़्यादा रीड करना चाहते हैं, जिस किस्म की बुक्स लोग पसंद करते हैं, उनमें एक है मोटिवेशन। जैसे कि सेल्फ मोटिवेशन पे मैं आज इनसे बुक लिखवा रही हूँ। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं,
लाइक ऑनलाइन अर्निंग से ले लें, कुछ आपका फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हो जाए, इसके अलावा आपका कोई इंटरप्रेन्योरशिप से हो जाए, हेल्थ एंड फिटनेस है आपके पास, साइंस है, फिक्शन है, मिस्ट्री है, आप मतलब कोई भी टॉपिक ले सकते हैं और उस पर आप लोग यहाँ पर ई बुक अपनी जनरेट करवा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया है, राइट एन आउटलाइन फॉर एन ई बुक ऑन सेल्फ मोटिवेशन हैविंग 300 पेजेस। अब मैंने सबसे पहले जो बुक की आउटलाइन है उसको क्रिएट करवाना है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी अच्छी बुक्स होती हैं उनकी पहले आउटलाइन लिखी जाती है ताकि रीडर को अंदाज़ा हो जाए कि मैं फ़र्दर इस बुक में क्या कुछ पढ़ने जा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया तो इसने मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त सा जो है आउटलाइन वो बना कर दी है। इसमें आपके सामने 14 चैप्टर्स इन्होंने दिए हैं। आप देख सकते हैं कि पहले चैप्टर का नंबर भी मेंशन है, इसके अलावा चैप्टर का जो मेन हेडिंग है वो मेंशन है, उस पर कितने पेजेस में वो लिखा जाएगा, इसके अलावा उसके जो मेन पॉइंट्स कवर किए गए हैं उस चैप्टर में वो इन्होंने पॉइंट की सूरत में यहाँ पर दिए हुए हैं, ये जो आपको बुलेट्स नज़र आ रही हैं, तो इतना अच्छा सा इन्होंने लिख दिया है। अब इसको सिंपली हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे, यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट लेकर आपने उसमें अपना ये कंटेंट जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब एक आपको मैं टिप दे दूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, जैसे जैसे आप लोग कॉपी पेस्ट करते जाएंगे साथ साथ आपने एडिटिंग करते जाना है। अभी या तो इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट साइज़ रखा है, इन्होंने सब हेडिंग का, मेन हेडिंग का और जो एक्सप्लेनेशन है उसका फॉन्ट साइज़ भी बड़ा अच्छा रखा है, इसके अलावा इन्होंने उनको बोल्ड कर दिया, मतलब यहाँ पर मुझे किसी किस्म की कोई ख़ास एडिटिंग की ज़रूरत नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब जो मैं नेक्स्ट कंटेंट उठाऊँगी उसमें ठीक ठाक हम लोगों को जो एडिटिंग है उसकी ज़रूरत है, फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है इनफैक्ट, तो हम लोग वो करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर फर्दर काम करने से पहले एक और चीज़ बता दूँ कि मैंने यहाँ पर जो चैप्टर 1 है वो लिखवाया ChatGPT से और जो चैप्टर 2 है वो मैंने लिखवाया इसी Gemini की वेबसाइट से। मुझे पसंद आया जो ChatGPT का कंटेंट था, इसलिए कि उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया सारे पॉइंट्स को विद हेडिंग्स, जबकि जो Gemini वाले थे इन्होंने जस्ट अगेन जैसे आउटलाइन लिखी थी इसी तरह से इन्होंने उनको मज़ीद जो है वो डिटेल में पॉइंट वाइज लिख दिया, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि एक बुक जो होती है उसमें जब तक एक्सप्लेनेशन ना हो वो बुक में कोई ख़ास रीडिंग का मज़ा नहीं आता, तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स थे। सो आई डिसाइडेड कि मैं बाकी की जो बुक है वो सारी की सारी ChatGPT से ही लिखवाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर वाइज किस तरीके से इसको लिखना है। अभी आपके सामने जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ये चैप्टर नंबर 1 है जो मैंने ChatGPT से लिखवाया है, और आप देख सकते हैं वो कितना डिटेल्ड है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो मैंने लिखवाया है Gemini से, और आपको यहाँ पर सिर्फ लाइंस नज़र आ रही हैं, ये देखिए जिसको आपको हाइलाइटेड टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से इन्होंने अगेन पॉइंट्स दे दिए हैं फर्दर उनको जब इन्होंने एक्सप्लेन किया है, एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्टूडेंट ने नोट्स बना रखे हों। अब आपने क्या करना है, Gemini पे आना है और चैप्टर नंबर 2 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर जितना कंटेंट ये लोग कवर कर रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 3 से ऊपर ऊपर जितनी लाइंस आपके पास आ रही हैं उन सब को आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या करती हूँ, अगेन ChatGPT पर आती हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको प्रॉम्प्ट देती हूँ, राइट आ डिटेल्ड चैप्टर ऑन टॉपिक। इतना लिखने के बाद आगे मैंने पेस्ट कर देना है वो कंटेंट जो मैं उठा के लाई हूँ Gemini से। आपको नज़र आ रहा होगा ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको एंटर कर दूँगी। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो मेरा चैप्टर मैंने इसको दिया था उधर से उसकी जितनी हेडिंग्स थी उन हेडिंग्स को ये फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने कितनी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दे दी है सारे के सारे। अब हम लोग अगेन क्या करेंगे कि जो चैप्टर नंबर 2 यहाँ से उठाया है इसको हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करके वापस हम अपनी वर्ड की डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं, यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो ये देखिए आपके सामने मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब आपको नज़र आ रहा होगा जैसे मैं इसको स्क्रॉल अप कर रही हूँ कि यहाँ आपको कितनी ज़्यादा फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है। अच्छा, ChatGPT का एक चीज़ है कि जब इसकी हेडिंग्स आती हैं तो उसके साइडों पर हैशेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं या स्टार्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन सब को आपने रिमूव करना है। नंबर 1 चीज़ आप लोगों की एडिटिंग या फॉर्मेटिंग में ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग क्या है, आप लोगों ने फॉन्ट साइज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
जो आपकी एक्सप्लेनेशन है उसका फॉन्ट साइज़ आपने 12 रखना है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड साइज़। लाइक 12 या 14 जो है ना, ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है किसी भी बुक का या डॉक्यूमेंट या जो भी आप इस किस्म का कंटेंट क्रिएट करते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या कोई भी जब आप सॉफ्ट कॉपी बना रहे होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने इसका अगर 12 लेट्स सपोज मैंने अपनी डॉक्यूमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है उसका फॉन्ट साइज़ रखा है जनाब 12, ठीक हो गया। जो सब हेडिंग्स हैं वो जो एक्सप्लेनेशन का फॉन्ट साइज़ है उससे 2 नंबर बड़ी होंगी। लाइक 12 है तो वो जो सब हेडिंग्स हैं वो 14 साइज़ की होगी, ठीक है, उनका फॉन्ट साइज़ 14 होगा। और जो मेन हेडिंग है लाइक चैप्टर नेम है वो आपका 16 या 18 आप रख सकते हैं, ठीक है, 18 इज़ टू बिग तो आप 16 उसको रख लीजिए। और सेकेंडली कि आपने जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं उनको आपने जनाब कर देना है बोल्ड। बोल्ड के लिए आपको जो ऊपर बी का छोटा सा बटन नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करते हैं। पहले आपने अपने कंटेंट को जिसको बोल्ड करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है और फिर बी पे क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ये हेडिंग्स हैं या सब हेडिंग्स हैं इनको आपने अंडरलाइन भी करना है तो आपको जो यू नज़र आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन भी हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से करके आपने इसकी एडिटिंग कर लेनी है सारी डॉक्यूमेंट की, साथ साथ इसको आपने सेव करते जाना है। चैट जीपीटी से जो आप कंटेंट लेते हैं उसके अंदर स्पेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी स्पेस जो है ना ये दी हुई होती है, तो इस सारी स्पेस को आपने एडजस्ट कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने अपनी जो डॉक्यूमेंट है इसका मार्जिन जो है उसको लाजमी सेट कर लेना। इसके लिए आप लोगों ने आ जाना है लेआउट पर, ये जो ऊपर आपको बार नज़र आ रही है उस पर आपको लेआउट नज़र आ रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद मार्जिन्स की आपको ऑप्शन नज़र आ रही है इस पर आपने करना है क्लिक और यहाँ पर मॉडरेट पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, मेरा जो जितने भी डॉक्यूमेंट है इसका आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त मार्जिन है वो सेट हो गया है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 2 है इसकी सेटिंग कोई इतनी खास नहीं हुई थी तो उसको मैंने खुद बैक स्पेस करके एडजस्ट कर लिया है। बाकी आप ऊपर की डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि वहाँ पर सारा जो मार्जिन है हमारा वो सेट हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये आपने पूरे डॉक्यूमेंट का कर लेना है और कोशिश करेंगे जब आपने फर्स्ट आउटलाइन इसकी की थी ना यहाँ पर पेज, तो उसी टाइम आपने ये डॉक्यूमेंट की जो सेटिंग्स है ना वो करके इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। इससे ये होगा कि जब आपकी बाकी जितना कुछ आप यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे ना वो ऑटोमेटिकली उसी के साथ एडजस्ट होता जाएगा। इसके अलावा जब आप एक मरतबा अपनी डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं वर्ड पर तो उसके बाद बार बार आपको सेव की ऑप्शन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ साथ कंट्रोल प्लस एस अगर प्रेस करते जाएँ तो आपकी डॉक्यूमेंट सेव होती जाती है। अब सेम मेथड को यूज़ करते हुए मैं अपनी सारा जो ई बुक है वो लिखवा लूँगी चैट जीपीटी से। चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर कमांड देती जाऊँगी और मेरा जब चैप्टर है वो एक्सप्लेन होता जाएगा और मैं उसको कॉपी पेस्ट करती जाऊँगी। अब मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ कि आपने पैराफ्रेजिंग के लिए जो सी वेबसाइट यूज़ करनी है उसे कैसे यूज़ करना है। तो जनाब हम आ जाते हैं अपने थर्ड प्लेटफॉर्म एंड दैट इज़ क्विलबोर्ड। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपना कॉन्टेंट पेस्ट करना है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, नीचे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप चाहें तो अपनी डॉक्यूमेंट यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी जो आपकी डॉक्यूमेंट है वर्ड में उसको आप ओपन करें, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट जो है वो एक टाइम में सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है, ये कॉपी हो जाएगी और आपने वापस अपने क्विल्ट बोर्ड पर जाना है और वहाँ पर ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर हमने अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है यहाँ पर आप लोगों ने कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है, आपका सारा जो कंटेंट है वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्विल्ट बोर्ड पर आकर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ना है क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रीमियम वर्जन नहीं है। अगर आपके पास है तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि अभी आप लोगों को पता चलेगा कि जो लोग फ्री का वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक लिमिटेशन है, एंड दैट इज़ कि आप एक टाइम में 125 वर्ड्स को पैराफ्रेज कर सकते हैं, नॉट मोर देन दिस। जबकि हमारी डॉक्यूमेंट में इस वक्त 2422 वर्ड्स मौजूद हैं। अब आप लोगों को एक आसान तरीका बताती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि आप लोग क्या करें कि जी बार बार अपनी डॉक्यूमेंट में जाएं, वहाँ से आप 125 वर्ड्स उठाएं, कॉपी करें, यहाँ पर लाएं, पेस्ट करें, वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत मैसी हो जाएगा। मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिए। आपने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट, चाहे वो 10,000 वर्ड्स की, ठीक है, उसको वहाँ से आपने करना है जनाब कॉपी। कॉपी करके आपने यहाँ पर उसको कर दिया पेस्ट, बस यहाँ तक तो आपने कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, इस वेबसाइट का बड़ा ही एक अच्छा ये, यानी कि हम जो फ्री यूज़र्स हैं, हम
हमारा भी इन लोगों ने ख्याल किया हुआ है कि हम लोगों के लिए बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया है जनाब कि यहाँ पर जो आपके फ़र्स्ट 125 वर्ड्स हैं वो आपको डार्क ब्लैक कलर में नज़र आएंगे, यानी कि वो सिलेक्ट हुए हुए हैं, उनकी पैराफ्रेजिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ। ये देखिए एग्जांपल्स तक आपको डार्क कलर में नज़र आ रहा है, उसके बाद ऑफ से ऑनवर्ड्स ये आपको फेड आउट टेक्स्ट नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एग्जांपल्स तक हमारे 125 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसकी मैंने पैराफ्रेजिंग करवा ली। अब पैराफ्रेजिंग करने के बाद आपने जो कॉपी का बटन है इस पर आपने क्लिक करना है और ये कॉन्टेंट उठाकर आपने अपनी एक नई वर्ड की डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है, उसके अंदर आपने पेस्ट करते जाना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, हमारा जितना कंटेंट पैराफ्रेज हो चुका है उसको आपने सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। समझ आ गई, जितना कंटेंट हमारा पैराफ्रेज हो चुका है उसको आपने सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया ये फ़र्स्ट के 125 वर्ड्स से, साथ ही मैंने उसको डिलीट कर दिया। आपने अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है, डिलीट हो जाएगा। अब जनाब अब देखिए कि नेक्स्ट जो 125 वर्ड्स हैं वो यहाँ पर ब्लैक हो गए हैं, डार्क कलर में आ गए हैं, यानी कि वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब उनकी पैराफ्रेजिंग होगी, वो जब हो जाएंगे आपने फिर यहाँ से कॉपी करना है। सेम प्रोसीजर, कॉपी करने के बाद वापस आपने अपने वर्ड की डॉक्यूमेंट में जाना है, वहाँ पे आपने पेस्ट करना है। वापस जहाँ पर आना है, जो कंटेंट आपका हो चुका है उसको आपने ऐसे करके डिलीट कर देना है। नेक्स्ट 125 वर्ड्स आपके फिर से पैराफ्रेज होने के लिए जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। तो ये मेथड आपने यूज़ करके यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट क्विल्ट बोर्ड को यूज़ करके अपना जो कंटेंट है सारे का सारा उसको आपने रीफ्रेज या पैराफ्रेज करवा लेना है, ठीक हो गया। ऐसे करके फिर अब आपकी एक नई डॉक्यूमेंट बन जाएगी वर्ड की, जिसको आपने अगेन रीड आउट कर लेना है। चले जी, अब हम लोग कहते हैं कि हमारी जो ई बुक है वो हमने लिखवा ली, उसकी आउटलाइन लिखवा ली, उसको एक्सप्लेन कर लिया, कंप्लीट कर ली, हमने उसको पैराफ्रेज कर लिया, एंड दैट्स इट, बुक हमारी हो गई है जनाब रेडी। उसके बाद अब आप लोगों को जिस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने ये बुक अपलोड करनी है वहाँ पर इसका साइनॉप्सिस देना है। अब आपने क्या करना है कि जितनी आपकी बुक का कंटेंट है उसको आप लोगों ने कॉपी करना है, या चाहें तो जो आउटलाइंस है ना उनको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ चैट जीपीटी में लाकर आपने उनको यहाँ पे कमांड देनी है कि राइट आ साइनॉप्सिस फॉर, और उसके बाद आके आपने वो सारा कॉन्टेंट जो हमने आउटलाइंस थी उनका पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको एंटर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें साइनॉप्सिस लिखा हुआ आ गया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साइनॉप्सिस ये आपको लिख देगा। अब इस साइनॉप्सिस के साथ भी आपने सेम वही काम करना है कि आपने इसको क्विल्ट बोर्ड पे ले जाकर इसकी जो पैराफ्रेजिंग है वो करने के बाद इसकी एडिटिंग करके एक अलग से फ़ाइल बना लेनी है और उस फाइल में इस साइनॉप्सिस को आपने जो है वो सेव कर लेना है। अब साइनॉप्सिस होता क्या है, इट्स बेसिकली लाइक समरी, या जिसको आप खुलासा बोलते हैं उर्दू में, ये वो होता है। आप इसको ये प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं कि राइट अ समरी ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि वेबसाइट वालों ने वर्ड साइनॉप्सिस यूज़ किया है तो आप भी यहाँ पर वर्ड सेम ही यूज़ करें, ठीक है। साइनॉप्सिस आप लिखवा लीजिए। अच्छा जी, अब हमारा साइनॉप्सिस भी हो गया। अब उसके बाद जो तीसरी चीज़ हम लोगों को चाहिए वो है जनाब हमारी बुक का कवर, ठीक है। उसके लिए हम लोग आ जाएंगे कैनवा पर, लेकिन उससे पहले ना ये जो हमारा टाइटल है अनलेश योर इनर फायर, इसको मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद ना अब हम लोगों ने आ जाना है जनाब कैनवा पर। कैनवा पर आपको प्रीमियम टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे। अब जैसे कि मेरे पास प्रीमियम वर्जन नहीं है तो मेरे यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो इनके टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करूँगी। अब मुझे थर्ड नंबर पर नज़र आ रहा है फ्रीडम वाला, ये ही मुझे बड़ा अपील कर रहा है तो मैं इसी को कर लेती हूँ जनाब सेलेक्ट। अब जैसे ही आप लोग इसको सेलेक्ट करते हैं आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाती है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, जो जो आपको पर्पल कलर में लिखा नज़र आ रहा है इसको आपने क्लिक करना है। आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन नेम। अब सबसे पहले मैंने अपनी बुक का जो नेम है उसको चेंज करना है, लाइक इस बुक का नाम है फ्रीडम, तो मैं उस को हटा दूंगी यहाँ से और यहाँ पर मैंने जो अपना टाइटल कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिंपली पेस्ट करने के बाद इसको हम लोग इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे इसके ऑथर का नाम जो है वो नज़र आ रहा है तो मैंने उसको भी चेंज करना है। अब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बाय मेविश मुश्ताक, मतलब मैं अपना पूरा नाम लिख देती हूँ यहाँ पर कि ये बुक मेविश ने लिखी, ठीक हो गया।
तो जनाब मेरा ये देखिए, मैंने बस इतनी सी एडिटिंग यहाँ पर की है आप लोगों को दिखाने के लिए, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप चाहें तो इसमें कुछ और एडिशन कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स आप जितना गुड़ डालेंगे ये इतना मीठा होगा, जितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन होगी इतना प्यार आपका टेम्पलेट सॉरी ये जो बुक कवर है ये बन जाएगा। अब इसको आप लोगों ने करना है सेव शेयर पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये डाउनलोड का बटन है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। नेक्स्ट विंडो पे फिर से आपको ये पर्पल में डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जनाब ये आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारा जो बुक कवर है ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से करके अब हम लोगों को जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी हमारे पास मौजूद हैं। अब कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे अपलोड करनी है, कैसे इनको यूज़ करना है। तो जनाब डोंट मिस टमोरोज़ वीडियो, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।